नगर का इलाका था, ये थी अपना स्टेशन है भांगा जिसको बोला जाता है। दादा जाओ वो जे तसो सुनछु क्या जाओ सिलचर अगरतला जो ये सिलचर अगरतला होता है ये अपना स्टेशन के ठीक सामने है। देख सकते हो गाड़ी गुजरता होगा मैं भी ठीक सामने तो मजा ही मजा ट्रेन से जाओ तो मेटेरियल भी ऊपर से स्लो हो गया तो आओ गया स्वच्छ भारत अभियान। देखो पीछे अपना स्टेशन ये गाड़ी गुजरता सीनरी काफी अच्छा है। ये पीछे से करते अपना गांव का स्टेशन है भांगा इसका नाम। चलो पोज कर तो इधर से ट्रेन पर काफी देर गुजर चुका है तो ये अपना घर है। ये जो बिल्डिंग दिखे इधर है ये इसका उसका वही है उसका अपोजिट में हम लोग का घर है। तो भांगा स्टेशन का ये इधर से गुजरता हुआ कनकलस विलेज है ये अपना गांव। ये रहा ये जो घर दिखे इधर अपना घर है। चलिए इस तरह बात की बात बताने इस तरफ गाड़ी आती है सवेरे सवेरे वो बाहर कहीं से आने के बाद यहाँ से गुजरता मतलब बाहर से जो सामान वगैरह आता है ना जैसे चावल दाल प्याज हैन तेन यहाँ एक्सपोर्ट होती है कोयला से लेके बालू का हैन तेन दुनिया भर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि होता रहता है। तो ये रहा अपना ये रहा स्थिति के स्टेशन का पीछे में ये सब जो नज़ारा है सोचा ऐसे टाइम पास बनाओ तो कुछ बनाओ बनाया जाए ना टाइम पास के लिए अपना यूट्यूब में अपना नंबरिंग करना तो पड़ेगा ना दोस्तों। शानदार नज़ारा है पीछे में आप देख सकते हो अब देख ही रहे होंगे जो भी हो बुरा मत मानना मुझे उतना समझ नहीं है मैं किसी सब्सक्राइब या एनटेन के लिए नहीं करता इसे सोचा जैसे कि मैंने पिछला वीडियो काफ़ी सारों में बताया मेरे अंदर भी खेड़ा है कुछ करने के लिए कुछ टाइम पास। ये ओवर ब्रिज है स्टेशन का ठीक पीछे ये रहा अपना भांगा होता ना ये ब्यूटी साइन बोर्ड उल्टा हो गया यार ये JMG है भांगा जो कि अपना स्टेशन है अपना कटखलिहान। इधर से मोबाइल में चार्ज भी कम हो गया तो ये रहा अपना स्टेशन भांगा इसका ठीक पीछे में है अपना घर। 3 पॉइंट कितना मिनट का हो चुका है करना चाहिए अगर अलाउड है तो रोक टोक तो कोई कर नहीं रहा फिर तो मना कर दूंगा। स्टैंड भी चाहिए जरूरी है लेता भी नहीं हूँ देखूँ 100 नंबर कर लूँ उसके बाद स्टैंड ले लूँगा पर ऐसे अपने को वक्त नहीं कहाँ मिलता है नहीं मिल पाता। इधर से आप जा सकते हो इधर से अंदर यहाँ से हमारा तिरंगा लहराती है 26 जनवरी और 15 अगस्त जो होता है उसी में। तो ये अपना स्टेशन है अपना गांव का है। कमेंट क्या करो यार समझ नहीं रहा था सर्दी भी हो रहा है सर्दी क्या करो फिर से थोड़ा सा पोज करो तो।